रीवा में छात्र की हत्या का चौथा आरोपी गिरफ्तार। 17 वर्षीय मृतक का बाल अपचारी से था पुराना विवाद। रंजिशन चार दोस्तों ने चाकू से किए ताबड़तोड़ प्रहार। नमस्कार, मैं कुलदीप साहू और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। खबर है रीवा जिले के बैकुंठपुर कस्बे से, जहां 10वीं कक्षा के छात्र की हत्या का चौथा आरोपी भी गिरफ्तार हुआ है। वहीं 5वें आरोपी को पकड़ने के लिए बैकुंठपुर पुलिस संभावित ठिकानों में दबिश दे रही है। पुलिस की पूछताछ में गिरफ्तार चारों आरोपी ने बताया कि मृतक का बाल अपचारी से पुराना विवाद था, दोनों आपस में रंजिश रखते थे। ऐसे में चार दोस्त चाकू व डंडा लेकर पहुंचे थे, जिसके बाद बाल अपचारी सहित 5 अन्य लोगों ने मिलकर 17 वर्षीय छात्र की हत्या कर सनसनी फैला दी। चौथे दिन एसपी नवनीत भसीन घटना स्थल पर पहुंचकर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि कोई भी अपराधी बचने न पाए, इसलिए हर पहलुओं की जांच कर मृतक छात्र को न्याय दिलाएं। सिरमौर SDOP नवीन तिवारी ने बताया कि चौथे आरोपी बेटू सोनी को मुखबिर की सूचना पाकर गिरफ्तार किया गया है। अब 5वें आरोपी बीरू सोनी की तलाश की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ आरोपी के जान पहचान के लोगों को रडार में लिया गया है। जल्द ही 5वां आरोपी पुलिस की पकड़ में आ जाएगा। बता दें कि सोमवार शाम 5 बजे कक्षा 10वीं के छात्र गोविंद विश्वकर्मा पुत्र स्वर्गीय राजकरण 17 वर्ष निवासी तेंदुल टिकुरा टोला की शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बैकुंठपुर के बगल में स्थित खेल का मैदान में बैठा था। इसके बाद मोबाइल में स्टेटस लगाने लगा, तभी 2 बाइकों में 5 दोस्त पहुंचे, जिन्होंने स्टेटस देखकर हंसने लगे, जिससे गोविंद से कहा सुनी होने लगी। ऐसे में आरोपी दोस्तों ने चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। दीवा संजय गांधी अस्पताल लेकर पुलिस पहुंची तो डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ, धन्यवाद।